स्वागत है। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने एक कार्यक्रम में मानवाधिकारों के हनन पर सवाल उठाए। चीफ जस्टिस ने कहा, भारत में मानवाधिकारों का सबसे अधिक हनन पुलिस स्टेशनों में होता है। हमारे देश में आरोपी के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून उपलब्ध है, पर इसके बाद भी पुलिस हिरासत में आरोपियों के उत्पीड़न और मौत के मामले सामने आते रहते हैं। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को तुरंत कानूनी मदद नहीं मिल पाती है। भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विजन एंड मिशन स्टेटमेंट और NALSA के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए भाषण के दौरान चीफ जस्टिस ने कुछ सवाल भी उठाए। अपने भाषण में उन्होंने मानवाधिकारों और गरिमा को पवित्र बताते हुए कहा कि भारत के पुलिस स्टेशन में मानवाधिकारों और शारीरिक अखंडता का सबसे बड़ा खतरा है। हिरासत में यातना देना जैसी समस्या हमारे समाज में व्याप्त है। कई रिपोर्ट से यह पता चलता है कि विशेष अधिकार प्राप्त लोगों पर भी थर्ड डिग्री का प्रयोग किया जाता है। पुलिस की इस बर्बरता को रोकने के लिए संवैधानिक अधिकारों को मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी देना जरूरी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सभी पुलिस स्टेशन जेल में डिस्प्ले बोर्ड और होर्डिंग लगाकर यह जानकारी देना अच्छी कोशिश है, लेकिन देश भर के पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाने के लिए NALSA द्वारा विशेष अभियान चलाने की भी जरूरत है। ये थी दिल्ली से हमारे सूत्रों की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।